मध्य प्रदेश से सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले और गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे लोग दिल्ली में बने नवनिर्मित मध्य प्रदेश भवन में ठहर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने गुरुवार को दिल्ली में 150 करोड़ की लागत से बनाए गए मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने पूजा पाठ कर रहे पंडित जी के साथ खुद भी मंत्रोच्चार किया। 5-स्टार होटल जैसी सुविधाओं से लैस ये भवन 5,890 वर्ग मीटर क्षेत्र यानी 1.2 एकड़ में फैला है। मध्य प्रदेश भवन आगामी 30 से 40 साल की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। नए भवन में प्रदेश के संस्कृति, परंपराएं, जीवन मूल्य, आस्थाएं, महापुरुषों के जीवन, प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य समेत सांची, खजुराहो, मांडू, उज्जैन, ओमकारेश्वर, अमरकंटक, ओरछा सहित महत्वपूर्ण स्थलों की छटा भी दिखाई दे रही है। बता दें इस भवन में सभी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से सुविधाएं मौजूद है। इसमें 108 कमरे हैं। इसमें वीआईपी, वीवीआईपी और 67 डीलक्स 38 स्टैंडर्ड रूम शामिल है। इसके अलावा सभागार, वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम, आवासीय आयुक्त के ऑफिस के साथ स्टाफ क्वार्टर भी है। ये नया मध्य प्रदेश का भवन का आज लोकार्पण हुआ है। मध्य प्रदेश का जो पहले भवन था वहाँ स्थान बहुत सीमित था और आज की आवश्यकताओं के हिसाब से वहाँ कई चीजों की कमी थी जी। इस भवन में यहाँ एक तरफ 108 कक्ष रुकने के लिए, वहाँ बड़ा सभा कक्ष भी है, एग्जीबिशन हॉल भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए व्यवस्था भी है। इस पूरे भवन में मध्य प्रदेश की संस्कृति, जीवन मूल और परंपराओं को उकेरने का काम किया है। मध्य प्रदेश के महापुरुष, उनके व्यक्तित्व को यहाँ चित्रित किया गया है और आज की आवश्यकताओं के हिसाब से जो जरूरी चीजें थी सबकी व्यवस्था इस भवन में।